तीन आदमी है, दो को अभी मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा। हाँ दो तो अभी तुरंत मिल जाएगा, वो भी वेंटी खाली है। वेंटी मतलब वेंटिलेटर? वेंटिलेटर, जिंदगी बचाना है तो भैया उस किस्मत अच्छा है जो दो ठो मिल जा रहे हैं। तो अभी मिल जाएगा सर, अभी तुरंत मिल जाएगी, अभी तुरंत मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा सर इसमें बताइएगा ना। उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, सुन लीजिए जो बात क्लियर, ठीक है। अभी देखिए ऐसा हालात में है आप लोग, ठीक है, प्राइवेट में जाइएगा तो अभी तो बेडे नहीं है, सबसे पहला बात। अगर गलती से मिल भी जाता तो 4-5 लाख का फटका है ऐसा टाइम में, ये चीज मानते हैं कि नहीं? वो तो है सर, है ना। तो बात यही है कि जो लगेगा एक उसको बेड दे दिया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी लगा दिया जाएगा सामने, उसके बाद वो 30,000 रुपया लेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर अपना। सबसे बड़ी बात है ना भैया कि एक गरीब के घर में, एक गरीब के घर में अगर वो कमाने वाले ऐसे कुछ हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। और ऐसे पूछ लीजिए, पूछिए सर। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि रिम्स का बेड का सौदा लगाया जा रहा था 30,000-40,000 कीमत। उसको तीन लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, चौथा भी कल गिरफ्तार हुआ है, पूरा बरियातू पुलिस लगी हुई है और हमने इसको तुरंत इसको संज्ञान में लिया था और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कोई भी आदमी यदि मौत का सौदागर बनेगा और यदि इस आपदा की घड़ी में अफसर और अर्थ दोहन करने की कोई भी हिमाकत करेगा तो उसके साथ विधि सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।